देश के हर कोने में गूंज रही है वो राहुल गांधी की आवाज है। और ये राहुल गांधी की आवाज उन लाखों करोड़ों देशवासियों की आवाज है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी से मिले। आज जो हाल मणिपुर का है, इसी तरीके से और राज्य जो है नागालैंड मिजोरम, ये आग जब फैलेगी तो कौन संभालेगा? वो काम सरकार का है या लोगों का? सर मणिपुर घटना पे क्या कहेंगे? हम लोग शर्मिंदा हैं, देश शर्मिंदा है। जिनको शर्मिंदा होना चाहिए वही शर्मिंदा नहीं है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो मणिपुर की सरकार हो। जिस तरीके का आचरण दोनों सरकारों का है वो पूरे देश को शर्मिंदा करता है। थैंक यू। आज मणिपुर चल रहा है, मणिपुर में अत्याय हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, जायज मतलब गलत गलत घटनाएँ हो रही है कि आप देखेंगे कि आप चैनलों में कभी मोदी मीडिया तो दिखा नहीं रही। मना करा, जब बहस होगी तो सब चीज सामने आएगी ना, तो मना करना है उसके लिए। सरकार का काम होता है बहस कराना। पार्लियामेंट में कौन है अक्सरियत में, किसकी सरकार है, हम थोड़ी कह रहे हैं, हम तो मांग ही कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हां, इस वक्त जो आज की खबर है वो है नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर से, और यहां पर कांग्रेस ने एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया है जिसका नाम है सत्याग्रह, मौन सत्याग्रह। आखिर मौन सत्याग्रह यहां पे उनको करने की क्यों जरूरत पड़ी, आखिर वो सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? और यहाँ पर जो जंतर मंतर खचाखच जो है कांग्रेस के समर्थकों से भरा हुआ है, तमाम सीनियर लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, आखिर वो सब यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं, ये सब आपको दिखाने का बताने का प्रयास करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर आज के प्रोटेस्ट को लेकर? देखिए, जिस तरीके से लोकतंत्र में आज़ादी के लिए जिस तरीके से लोकतंत्र के अंदर जो है राहुल जी की और कांग्रेस की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो उसके विरोध में आज हम लोग जो है तो आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, करना जरूरत है, लोकतंत्र में आपका सबसे बड़ा हथियार प्रदर्शन करना ही होता है और लोगों में को जागृत करना होता है। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के लोग आगे ही जागृत हैं कि जिस तरीके से आज तमाम गवर्नमेंट की एजेंसीज लोगों को तंग कर रही हैं कि कोई आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, तो देश की जनता इसको समझ रही है, उसका खमियाजा इन लोगों को आने वाले चुनाव में। सर मणिपुर घटना पे क्या कहेंगे? हम लोग शर्मिंदा हैं, देश शर्मिंदा है। जिनको शर्मिंदा होना चाहिए वही शर्मिंदा नहीं है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो मणिपुर की सरकार हो। जिस तरीके का आचरण दोनों सरकारों का है वो पूरे देश को शर्मिंदा करता है। थैंक यू सर। हमारे साथ हारून यूसुफ जी हैं जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सरकार में कई बार रह चुके हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज के प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये सत्याग्रह था और इसलिए था कि जिस तरीके से राहुल जी को प्रताड़ित करने के लिए पार्लियामेंट से बाहर निकालने की जल्दी मोदी जो की थी, आज वो संवेदना व्यक्त करने के लिए पूरे कांग्रेस। सर मणिपुर घटना पर क्या कहेंगे? इससे ज्यादा दर्दनाक और घटना नहीं हो, पूरे देश की शर्म से झुकी हुई, और मैं समझता हूँ उसकी जितनी निंदा की जाए। सर जिस तरह से आतंकवादी अपने कार्रवाई को अंजाम देते हैं उसी तरह से मणिपुर में हुआ है, आतंकवाद देश में बढ़ रहा है क्या? कौन बढ़ा रहा है? सरकार को नहीं पता थी 3 महीने से क्या हो रहा है वहाँ पर मणिपुर? आज जो हाल मणिपुर का है, इसी तरीके से और राज्य जो है नागालैंड मिजोरम, ये आग जब फैलेगी तो कौन संभालेगा? वो काम सरकार का है या लोगों का? थैंक यू सर। Congress today held a mon satyagraha at Jantar Mantar, raising their voice against the violence that is going on in Manipur and the disqualification of Rahul Gandhi. We have been joined by MP Congress in charge JP Agarwal with us. Sir, kya kuch maange aap logon ki taraf se uthai gayi hai, kyunki jis tarah se Manipur mein ghatna ka naam nahi le raha hai, jo ghatna hai wo samne aa rahi hai, aap logon ki taraf se kya maange hai sarkar ke samne? Wo hai na, नीचे रख लो, नीचे रखो। कल भी पार्लियामेंट में कहा गया कि हमने क्या कारण है, जब एक संघीय राज्य है, केंद्र में एक सरकार है, वो सरकार बिल्कुल नहीं आ बहरी और घूम गई है, उसको सुनाई नहीं दे रहा। इतने बुरी हालत वहाँ हो रही है, मतदान चल रहे हैं,
लोगों को जिंदा करवा रहे हैं, मारने आना चिंता हो रही है, उसमें सरकार बिल्कुल चुप है। प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे, गृहमंत्री बोल नहीं है, हमारी मांग है प्रभावी तौर पर एकदम कदम उठाने चाहिए। और इस तरह की जो जंगल राज हो रहा है, जो मणिपुर में तो हो रहा और जगह भी बुरी हालत है, उसको फौरन रोका जाना चाहिए। ये साख का सवाल है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जब से बीजेपी आए तब से इस तरह के बहुत सारे हादसे हुए हैं जिसका कोई कारण नहीं है और ये जिम्मेदार। सर, अनुराग ठाकुर का बयान आया, वो कह रहे हैं कि विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, एट्रोसिटीज विपक्ष के अगेंस्ट में जहाँ कहीं भी हो उस पर खुल के सामने आना चाहिए, डिस्कशन करने के लिए तैयार। डिस्कशन के लिए कह तो रहे हैं पार्लियामेंट में, और कैसे कहेंगे, बेंचों पे खड़े होकर तो नहीं करेंगे ना। सर, बीजेपी कह रही है कि आप लोग राजस्थान और वेस्ट बंगाल के जो मामले सामने आए उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। इसलिए मना करा, जब बहस होगी तो सब चीज़ सामने आएगी ना, तो मना करना है उसके लिए। सरकार का काम होता है बहस कराना, पार्लियामेंट में कौन है अक्सरियत में, किसकी सरकार है, हम थोड़ी कह रहे हैं, हम तो मांग ही कर सकते हैं, तो हम ये कह रहे हैं आप बहस कराइए, दूसरा दूध पानी का पानी, और किस तरह आप प्रताड़ित कर रहे हैं, किस तरह आप सरकार चलाने में फेल हुए, ये हम दिखाना चाहते हैं। देश के हर कोने में गूंज रही वो राहुल गांधी की आवाज है, और ये राहुल गांधी की आवाज उन लाखों करोड़ों देशवासियों की आवाज है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी से मिले, खेत में मिले, खलियान में मिले, शहर में मिले, स्लम में मिले, युवा मिले, महिलाएं मिली, व्यापारी लोग मिले, छोटे उद्योगपति मिले, राहुल गांधी आवाज और मजबूती से उभर करके आएगी। मौन सत्याग्रह इसका प्रतीक है, आप दबाने की कोशिश करो कि हम कितने नमस्कार मैडम, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें, फिर उसके बाद आप जो मणिपुर पर कहना चाह रही हैं उस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं वो बताएं। मैं महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव हूँ बालालॉय, और मणिपुर के बारे में ये कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से मणिपुर में भ्रष्टाचार और विशेषकर महिलाओं के साथ जिस तरीके से हुआ है ये सारा देश जानता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बहुत, जब सारा वायरल हो गई उनकी वीडियो उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने मुंह खोला है। अगर उस बेटी को, उस महिला को बहुत पहले न्याय मिल सकता था 2 महीने पहले, और उस जो भी आदमी जो भ्रष्टाचारी था उसको बहुत पहले ही सजा मिल सकती थी, लेकिन ये सारा राजनीति घोल दिया इन्होंने उसके अंदर, क्योंकि 6 महीने के बाद इलेक्शन है, तो प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने के बाद इलेक्शन है, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि अभी बोलूंगा तो फिर सिंपैथी, पब्लिक की सिंपैथी, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो इसलिए मुंह खोला, पहले से क्यों नहीं खोला। तो मैं एक महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत, जो बीजेपी इस समय सरकार है इतना भ्रष्टाचार फल फूल रहा है इस समय, बहुत भ्रष्टाचार, और इसका मैं विरोध करती हूँ, इसका मैं खंडन करती हूँ। या तो बेटियों को न्याय मिले, महिलाओं को न्याय दो, उनकी सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जाएँ, उनके सारे रूल रेगुलेशन बनाए जाए उनके लिए और फॉलो किए जाए, ये नहीं कि आपने कागजों में कार्यवाही कर दी, कागजों में तो बन गया आपने भाई, ये हमने महिलाओं के लिए ये रूल बनाए हैं, ये स्टेप उठाए हैं, लेकिन कोई भी लागू नहीं हुआ। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को ये अपना संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाओं को न्याय मिले, आप नारे लगाने वाली पार्टी ना बने कि सिर्फ नारे लगाए, महिलाओं को सम्मान दो, महिलाओं को आगे बढ़ाओ, ये सिर्फ कहने की बात होती, कार्य में दिखना चाहिए, आपके व्यवहार में दिखना चाहिए, आपकी बात में दिखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू मैडम। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अपना परिचय देते हुए बताएं कि आज आप इस प्रोटेस्ट में हिस्सा क्यों ले रहे हैं, आखिर कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट क्यों था, क्या कहना चाह रहे हैं देश की जनता को। नमस्कार जी, मैं ऋषिराज चौधरी, आज सभी हमारे कांग्रेस लीडर सभी कार्यकर्ता अपना जंतर मंतर पहुँचे हैं। 23 जुलाई 10 बजे से 2 बजे तक का प्रोग्राम था जो हमारा अपना यहाँ रखा है जंतर मंतर हमारे सीनियर लीडरों ने। आज पूरे देश में जो महंगाई बढ़ रही है अपना, उस मुद्दे को लेकर आज मणिपुर में आप देख रहे हो अपना, उत्तराखंड में देख रहे हो आप अंकिता भंडारी का अपना, और महंगाई चरम स्तर पर अपना पहुंच गया, सभी चीज़ों को लेकर अपना, सभी मुद्दों को लेकर आज मौन सत्याग्रह अपना हमने रखा है अपना, ये कहना चाहेंगे, थैंक यू। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से विदा लेता हूं। आज के इस प्रोटेस्ट को लेकर आपके क्या हैं सुझाव, क्या हैं विचार, हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा, हमें आपके सुझावों का विचारों का बहुत इंतज़ार रहता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।